इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। लोकसभा इंतखाबात जल्द होने वाले हैं तो सरगर्मियां भी जारी हैं, लिहाजा इसी दरमियान कॉर्पोरेशन चुनाव मुलतवी होना अब तकरीबन तय हो चुका है। बेलगाम की सियासत भी अपने रंग बदलने लगी है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की जानिब से अमकन मंडी हल्के के MLA सतीश जारकिहोली का नाम सर फहरिस्त है। वैसे दोनों भाइयों के अल्फाजों की जुगलबंदी तो होती रहती है, अब इसमें भी कितनी सदाकत है यह और बात है, पर सतीश जारकिहोली का लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरना यकीनी तौर पर दिलचस्प कहा जा सकता है। वही दूसरी ओर कॉरपोरेशन चुनाव तो मुलतवी हुए हैं, पर शहर तरक्याती महकमा ने रियासत के 10 कॉरपोरेशन के मेयर और डिप्टी मेयर के रिजर्वेशन का ऐलान किया हुआ है। वैसे भी बेलगाम कॉरपोरेशन चुनाव को लेकर मामला अदालत में जेर समात है। वार्ड की तामीर न और वार्ड रचना और वार्ड रिजर्वेशन यानी आरक्षण को लेकर साबिक कॉरपोरेटर ख्वाहिशमंद हाजरात मौजूदा रिजर्वेशन और वार्ड रचना को गलत साबित करते हुए नए तरीके से वार्ड की रचना की जाए ताकि आवाम को वार्ड की हदबंदी को लेकर जो तश्वीश है इसे साफ किया जाए। मौजूदा वार्ड रचना बिल्कुल गलत है और वार्ड की तकसीम को समझने से आवाम भी कासिर, लिहाजा नए तरीके से वार्ड रचना की जाए और रिजर्वेशन जिसमें 27 जगहों पर वार्डों को महिला किया गया इसे तरमीम किया जाए। अब जब मामला अदालत में है, पर जिस कदर शहर तरक्याती महकमा ने मेयर और डिप्टी मेयर का ऐलान करते हुए मेयर जनरल यानी सामान्य कैटेगरी और डिप्टी मेयर सामान्य महिला किया गया, अब इससे ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है कि क्या कॉरपोरेशन चुनाव को जल्द अमल में लाया जाएगा, क्योंकि उमूमन रियासती महकमा की जानिब से कॉरपोरेशन चुनाव से पहले ही मेयर और डिप्टी मेयर की कैटेगरी का ऐलान किया जाता है। मामला यकीनन अदालत में है, पर अगर अदालत ने इसी साल चुनाव का ऐलान किया तो कुछ ख्वाहिशमंद है जो मेयर और डिप्टी मेयर के ख्वाहिशमंद है इनके लिए अच्छी खबर कह सकते हैं। फिलहाल मेयर या डिप्टी मेयर के ऐलान का कुछ फायदा नहीं है, पर अगर इस साल चुनाव को अंजाम दिया जाता है तो जो ऐलान किया गया है इसी के जमन में चुनाव लिए जाएंगे। कॉरपोरेशन चुनाव को जल्द में अमल में लाए जाने की सरगर्मियां जारी थी, लिहाजा साबिक कॉरपोरेटर ने मामले को अदालत में दाखिल किया तो कॉरपोरेशन चुनाव अब कब होंगे इसके कोई इम्कान नहीं है। लिहाजा अभी 6 महीने तक तो बल्दिया इंतखाबात के लिए कोई मौका नजर नहीं आ रहा। जाहिर है अब जल्द में लोकसभा चुनाव का ही माहौल सरगर्म हो सकता है। बीजेपी की जानिब से बेलगाम लोकसभा के लिए तवील फहरिस्त है तो कांग्रेस की जानिब से सतीश जारकिहोली का तय पाया जा रहा है और यह फैसला सही भी हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस में नई जान डालने के लिए कांग्रेस की जानिब से सतीश जारकिहोली का मैदान में उतरना जरूरी है। कर्नाटक एक वक्त कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लिहाजा बेलगाम लोकसभा की जीत कांग्रेस में नई उमंग पैदा करने के लिए काफी हो सकती है। किसान एहतजाज के मद्देनजर कुछ नाराजगी किसानों के साथ आवाम में भी है। पेट्रोल के बढ़ते दाम भी भाजपा विरोधी माहौल बनाने में कारगर हो सकते हैं। वैसे भाजपा के सभी कायद यहां तक कि मोदी शाह से लेकर रमेश जारकिहोली तक कांग्रेस के खिलाफ तंज करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। हाल ही में रमेश जारकिहोली ने कांग्रेस MLA लक्ष्मी बाड़कर पर अक्सर तंज करते देखा गया है। बाड़कर बाई का जहनी तवाजन खोने तक की बात कहने का मतलब अब भाजपा वालों ने हर लिहाज से सियासत करना सीख लिया है। वैसे भी MLA MP को खरीदना तो भाजपा को बखूबी आता ही है। आप किसी भी सोच और फिक्र से रहो, आखिर भाजपा की गोद में बैठने वाले कई सुरमाओं को देखा गया। अक्सर कांग्रेस इल्जाम लगाती है कि पैसे से ना खरीदा गया तो इनके पीछे ED, IT, CBI और दिगर महकमाओं को लगाकर इस तरह मजबूर किया जाता है कि BJP के सिवा कोई रास्ता रहता ही नहीं। जो भी हो, अगर सतीश जारकिहोली की उम्मीदवारी कांग्रेस से तय होती है तो महज दो पार्टियों का मुकाबला नहीं होगा बल्कि दो भाइयों का भी होगा। और इस पर भी इल्जाम तराशी की जा सकती है, अगर सतीश जारकिहोली की जीत होती है तो रमेश जारकिहोली पर शक करने वाले भी बहुत सारे हो सकते हैं। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि मुख्तलिफ पार्टियों में एक ही घर के अफरादों का आला मकाम पर फाइज होना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। खैर, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बेलगाम शहर में इतवार को बिजली नहीं, हैस्कॉम की जानिब से यह ऐलान किया गया है कि बरोज इतवार 14 तारीख को शहर के अक्सर इलाकों में बिजली नहीं होगी, लिहाजा ब्लैक संडे होगा। इतवार के दिन कई जगहों पर इजलास मुनक्किद किए गए हैं और कईयों के शादी ब्याह मंगनी की रस्म रिवाज भी अंजाम दी जा रही है। बिजली का पूरे दिन न होना आवाम की खुशियों में खलल जरूर डाल सकता है। बेलगाम नॉर्थ और बेलगाम साउथ में इतवार के रोज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली नहीं होगी, इसकी तला हैस्कॉम की जानिब से दी गई है। चोरी की वारदातों में इजाफा होता ही जा रहा है। शहर और अतराफ में बढ़ती चोरी की वारदातों से
आवाम में एक बार डर खौफ का माहौल देखा जा रहा है। इससे पहले भी इत्तेहाद न्यूज ने इसकी वजूहात तलाशने की कोशिश की थी। वैसे बेलगाम पुलिस अपनी जिम्मेदारी भी बखूबी निभा रही है। आखिर चोरी की वारदातों में इजाफा क्या बेरोजगारी से है या नौजवानों का नशे के आदि होना चोरी की तरफ माइल कर रहा है। वैसे भी खंजर गली में जुए के अड्डे पर पुलिस की छापेमारी ने जुआरियों के दिल की धड़कनों को तेज कर दिया, पर कुछ लोगों का कहना है कि इंतजामिया के कुछ अपराध गांजा मटका जुआलों से मिलने की बात कहते देखा जाता है। खैर, एक और चोरी की वारदात चन्नम्मा सर्कल के नजदीक बस स्टैंड पर खड़ी खातून के जेवरात छीन कर भागने की अमल में आई है। बेलगाम शहर के मसरूफ तरीन चौराहे पर हुई चोरी की वारदात से लोगों में ताज्जुब का इजहार किया जा रहा है। बस के इंतजार में खड़ी वैशाली भक्तिकर उम्र 30 जेवरात की बैग ले खड़ी थी, तब कुछ लफंगों ने बैग से जेवरात चुरा लिए। थोड़ी देर के बाद ख्याल आया तो बैग से जेवरात चोरी हो चुके थे। मामले को खड़े बाजार पुलिस थाने में दर्ज किया गया। पुलिस अफसर धीरज शिंदे इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।